नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनु राशि वालों, अब पैसों में तोड़ देंगे राहु और केतु। पूरे 555 साल बाद आपके कुंडली में बना है राहु राजयोग। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बनने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहु राजयोग जिसके भी जीवन में बनता है उसका पूरा भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ बदल कर रख देता है। दोस्तों, अब यह योग आपके जीवन में महाचमत्कार करने जा रहा है। दोस्तों, आज के दिन से लेकर अगले 3 महीनों तक राहु राजयोग का प्रभाव आपके कुंडली में पड़ने वाला है। दोस्तों, यह योग हमारे ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी खास योग माना गया है। दोस्तों, इस बार का यह योग शनि के साथ मिलकर और प्रभावकारी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं सालों से चली आ रही थी उनका अब सर्वनाश होता हुआ दिखाई देने वाला है। दोस्तों, यूँ कहें तो अब आपकी ज़िंदगी का पूरा लेखा जोखा ही बदल जाएगा। दोस्तों, आपके जीवन का अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब बिजनेस के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में तथा आपकी शिक्षा के क्षेत्र में महापरिवर्तन होने की भरपूर संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, आपका करियर अब नए गाता रस्ती हुई आगे की ओर बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आने वाले अगले 3 महीनों तक यह योग आपके ज़िंदगी में क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, आपको क्या क्या खुशखबरियाँ अगले 3 महीनों तक मिलने वाले हैं और दोस्तों क्या क्या बड़े बड़े बदलाव भी आपके ज़िंदगी में यह समय होने वाले हैं और साथ ही कौन सी सावधानियों को भी आपको यह समय बरतनी होगी और कौन कौन सी ज़रूरी बातों को भी आपको यह समय अपने जीवन काल में ध्यान रखना होगा। दोस्तों, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरे विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले राहु और केतु के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय राहु केतु महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, राहु केतु का आशीर्वाद सदैव आप सबों के ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में आप अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और ना ही किसी से बेवजह से डरो, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, अगर जीवन में जो हुआ है आपके साथ वह भी अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया और तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। तुम्हें जो मिला है यहीं से मिला और तुम्हें जो देना भी पड़ेगा वह यहीं ही देना पड़ेगा। इसलिए आप भविष्य और भूत का चिंता छोड़ो और वर्तमान में जो हो रहा है उसके साथ आप चलो तो आपका ज़िंदगी अच्छा रहेगा। दोस्तों, कि जीवन में चाहे बुराई छोटी हो या फिर बड़ी हो, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छोटा छेद हो या फिर बड़ा छेद हो, नाव को डुबा ही देता है। दोस्तों, इसलिए जीवन में चाहे छोटी बुराई हो या फिर बड़ी बुराई हो, वह हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के अगर यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, आइए बात करते हैं अब आने वाले आज से लेकर के अगले 3 महीने तक आपके ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव और क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं और आपको क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चमत्कार भी होने वाले हैं, आइए पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों, यह समय आपको अपनी सेहत और संबंधों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, यह समय आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। ऐसे में फिर चाहे घर हो या फिर आपका कार्य क्षेत्र, लोगों के साथ अपना व्यवहार नरम रखें और अहंकार में आकर किसी का अपमान करने की भूल बिल्कुल ही ना करें, अन्यथा सारा काम भी बिगड़ सकता है। और दोस्तों, यह समय कामकाज की व्यस्तता भी बनी रहेगी और नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह समय आप मनचाहे प्रगति और सफलता पाने में कामयाब भी रहेंगे और इस दौरान किसी के साथ तकरार करने से बचें,
अन्यथा आपको मिलने वाली सफलता बेमजा हो सकती है और यश में किसी के फटे में टांग अड़ाने से भी बचे, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और यश में पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वालों को सफलता के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी और इस दौरान आपको काम को कल पर टालने से भी बचना होगा और अपनी दिनचर्या को स्वस्थित रखना होगा और सेहत की दृष्टि से भी इसमें आपको बेहद ही सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने से आप परेशान भी हो सकते हैं। और यह समय के उत्तरार्ध में किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके लंबे समय से लंबित काम बनेगी। और यदि प्रेम संबंध में आपके लव पार्टनर के साथ तनातनी चली रही थी तो यह समय किसी मित्र की मदद से दूर होंगी और आपकी प्रेम की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी और जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बना रहेगा और आपको संबल देने का काम भी करता रहेगा। और दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम सफल होंगे और आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित हो सकता है। भूमि क्रय विक्रय के सनार में कमीशन के माध्यम से आर्थिक लाभ भी यह समय संभव है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय का सदुपयोग अच्छी विस्तार योजना बनाकर करें। यदि आपका व्यवसाय रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आपको अपनी प्रतिभा देखने और खुद का नाम बताने प्रतिभा दिखाने और खुद का नाम बनाने के अवसर भी मिलेंगे। आईएस में पारिवारिक जीवन में सामंजस्य पूर्ण रहेगा और परिवार में शादी या फिर संतान के जन्म संबंधित शुभ घटनाएं घटित हो सकती है। और दोस्तों, यह समय आपके सोचे हुए सारे काम पूरे भी होंगे। ऑफिस में किसी भी सहकर्मी से आपको मदद भी मिल सकती है। सेहत के मामले में यह समय खुद को ऊर्जावान महसूस भी आप करेंगे और जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान भी बनाएंगे। इससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा और इस राशि के स्पोर्ट्स जुड़े लोग किसी भी नई एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं और किसी काम में माता पिता की सलाह आपके लिए फायदेमंद भी रहेगी। और यह समय आप अपने करियर के बारे में सोच एवं विचार करेंगे तो आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने की काफ़ी संभावनाएं भी हैं। यह समय आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपके रिश्ते हमेशा बेहतर रहेंगे। और दोस्तों, यह समय आपको कोई नज़दीकी मित्र आपसे मिलने आ सकते हैं। आप उनसे अपनी कोई भी निजी बातें शेयर भी कर सकते हैं। इससे आपके मन का बोझ थोड़ा सा हल्का भी होगा और परिवार के उलझनों को सुलझाने की मदद मिल सकती है। और छात्रों के लिए समय ठीक ठाक है। पढ़ाई में आ रही बाधाएं किसी भी कीमत से दूर हो सकती है। आपको नतीजों की ज़्यादा फिक्र ना करके अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़ों से आपको कोई खास सलाह ऐसे मिल सकता है, आप उनकी बातों पर गौर करनी चाहिए, उनसे आपको काफ़ी लाभ भी मिल सकता है। और यश में व्यापार में अच्छी तेजी आएगी और किसी विरोधी की आलोचना की ओर ध्यान न देकर अपना काम करते रहें, आगे चलकर सफलता मिलेगी। काम धंधे के समय व्यापारिक की स्थिति यश में बेहतर रहेगी और बिक्री में भी अच्छी तेजी आएगी। साझेदारी वाले कार्य में भी यश में अच्छा कारोबार देखने को मिलेगी, लेकिन अपने मतभेद काम से दूर रखें। और नौकरी करने वाले जातकों का काम यश में सराहना मिलेगी और काम सुचारू रूप से चलता रहेगा, जिससे आपका मन भी अच्छा रहेगा।